साउथ इंडिया का फेमस ब्राह्मण प्रसादम। जी हाँ, नॉर्मल फूड वीडियोस तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दक्षिण भारत का असली ब्राह्मणों वाला खाना, जिसको बनाते भी ब्राह्मण हैं, सर्व भी ब्राह्मण ही करते हैं और इसको खाया भी जाता है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। बैंगलोर के लोग तो दीवाने हैं इसके लिए, बट अगर आपने कभी इस तरह का खाना नहीं देखा है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, आपको मजा आ जाएगा। अभी हमें बैंगलोर में ब्राह्मण प्रसादम पर, जहां पर ये टेंपल स्टाइल फूड मिलता है, आधे आधे घंटे की सिटिंग में यहां पर खाना खिलाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले जो टेबल्स हैं उनके ऊपर पेपर फैलाया जा रहा है और पेपर फैलाने के बाद अब हर एक कस्टमर के लिए यहां पर केले का पत्ता रखा जाएगा, क्योंकि यहां पर खाना प्लेट में ना देकर केले के पत्ते के ऊपर सर्व किया जाता है। सभी के सामने केले के पत्ते रखने के बाद अब बिस्लरी की बोतल्स लेकर आई गई हैं और खाना सर्व करने से पहले हर एक पत्ता यहाँ पर बिस्लरी के पानी से अच्छी तरीके से धुलकर साफ किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर खाना देने की शुरुआत होगी और खाने में यहाँ पर 15 डिफरेंट डिशेज रहती हैं, जो कि आपको अनलिमिटेड मिलेंगी, यानी कि आप जितनी बार भी चाहें इन्हें ले सकते हैं। और जितनी भी डिशेज यहाँ पे प्रिपेयर की जाती हैं वो सारी शुद्ध सात्विक होती हैं। साथ ही दाल, चावल और जितनी भी सब्जियां यहाँ पे दी जाती हैं उनके ऊपर देसी घी डाला जाता है और इस खाने को बनाने से लेकर सर्व करने तक सारे काम यहाँ पे ब्राह्मण ही करते हैं। प्राइस इसका रहता है 199 रुपए और ये मेन्यू भी इनका हर दिन बदलता रहता है। तो अब जरा एक एक करके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से डिश यहाँ पे सर्व की गई और उनका कैसा टेस्ट था। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया हेसरुबेले पायसम, यानी कि मूंग की दाल की खीर। उसके बाद थोड़ा सा नमक दिया गया, नमक के बाद अचार और उसके बाद सैलेड में कोसंबरी। नेक्स्ट डिश इसमें आई कैप्सिकम गोजू, उसके बाद मिश्र तरकारी पलिया और फिर काबुल कड़ले पलिया, उसके बाद पुलियोगरे और फिर अपने नॉर्मल स्टीम राइस। राइस के ऊपर से दाल सर्व की गई और उसके ऊपर से डाला गया देसी घी। और इवन तो इस थाली में अभी और भी डिशेज का आना बाकी है, लेकिन पहले जरा इनको ही टेस्ट किया जाए। कोसंबरी बेसिकली स्प्राउटेड मूंग दाल का सैलेड था, जो कि टेस्ट में ठीक ठीक था। उसके बाद मैंने ये दाल चावल का कॉम्बिनेशन ट्राई किया, जिसमें कि दाल अलग थी और दाल का पानी अलग था, इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया। मिश्र पलिया का टेस्ट मुझे अच्छा लगा, जो कि बेसिकली अपना चटपटा सा मिक्स वेज था। और जो काबुल पलिया था उसका टेस्ट भी अच्छा था, ये बेसिकली अपनी छोले की सूखी सब्जी थी, जिसमें कि मसाले कम थे बट टेस्ट इसका बढ़िया था। इसके बाद गलती से मैंने इनके अचार को चटनी समझ के ट्राई कर लिया, जो कि बहुत ही खट्टा था। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया कैप्सिकम गोजू और इसके अंदर भी इमली की बहुत ज्यादा खटास थी। इसके बाद हमें दिया गया ये लड्डू, जिसका नाम मैं भूल गया, लेकिन इसे ट्राई करने से पहले मैंने ट्राई किया पुलियोगरे और पुलियोगरे इनका टेस्ट में बहुत बहुत अच्छा था। पुलियोगरे के बाद मैंने ये लड्डू ट्राई किया, जो कि मुझे लगा मीठा होगा, लेकिन ये असलियत में मुरमुरे का नमकीन लड्डू था, जो कि बहुत क्रंची था लेकिन टेस्ट इसका अजीब सा ही था। इसके बाद हमें दी गई जोलाडा रोटी, यानी कि ज्वार के आटे की रोटी, और फिर हमें सर्व किया गया कुक्के सारू, जो कि कुक्के सुब्रमण्य टेम्पल का फेमस रसम है। और इसके बाद हमें दिया गया मधुर वड़ा, ये टेस्ट में बहुत अच्छा था, क्रिस्पी और ड्राई फ्रूट से लोडेड, बट जो ज्वार की रोटी थी वो अच्छे से पकी हुई नहीं थी। और क्योंकि मैंने रसम को इस कच्ची रोटी के साथ खाया तो उसका मजा भी किरकिरा हो गया, जिसके स्वाद को ठीक करने के लिए मैंने खाया पायसम और फॉर्चुनेटली ये पायसम बहुत टेस्टी हो रखा था। इसके बाद हमें दी गई जलेबी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन ये भी टेस्ट में खट्टी थी। तो कॉन्सेप्ट मुझे इनका अच्छा लगा कि शुद्ध सात्विक टेंपल फूड ये खिला रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन कुछ चीजों का टेस्ट यहाँ पर बहुत अच्छा था, कुछ का बिल्कुल बेकार और कुछ का सोसो। सच बताऊं तो जितनी एक्सपेक्टेशन के साथ आया था उतना अच्छा ये नहीं है, हो सकता है आज खराब हो क्योंकि सबने इसके पॉजिटिव रिव्यू दिए हुए हैं। तो अगर आप बैंगलोर आ रहे हैं, आपको ये डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि सिटिंग डिफरेंट है, सर्व करने का तरीका डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी टेस्ट वाइज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बट आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। एड्रेस क्लियर, मीडिया कॉम्प्लेक्स, आई एम कुकिंग दिस मच।